Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I am Pallavi. I hope you all are doing great. So, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि रक्षाबंधन बस आने ही वाला है एंड हम लोगों के लिए हम स्पेशली हम गर्ल्स के लिए रक्षाबंधन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कितना मज़ेदार होता है. सो स्पेशली फॉर रक्षाबंधन मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक लेके आई हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है, शटल है, बहुत ही ईजी वीजी है. सो अगर आप जानना चाहते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, ये ब्यूटीफुल सा पिंक एंड गोल्डन मेकअप लुक, सो अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्टली मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का ये बायो कुकुम्बर टोनर. सो इसे मैं अच्छे से एक कॉटन पैड पे लेके अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. सो इससे क्या होगा, मेरा फेस जो है वो अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत डर्ट अगर लेफ्ट होगा तो वो भी रिमूव हो जाएगा. नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये टोनर एंड इसे मैं अच्छे से अपने पाम पे लेके अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड अच्छे से अपने फेस में इसे पुश करूँगी. देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र क्योंकि मैंने अच्छा खासा अपने फेस पे यूज़ किया है सीरम, तो जिससे मेरा फेस हल्का ऑयली हो गया है तो मैं यहाँ ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ. सो ये प्रोडक्ट मैंने स्मिथन से फ्री में मंगाया है. अगर आप जानना चाहते हैं कैसे तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लें. सो नेक्स्ट मैंने यहाँ यूज़ किया है ब्लू हेवन का प्राइमर जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, मुझे बहुत पसंद आया है. सो नेक्स्ट मैं मूव कर रही हूँ अपने आईब्रो पे एंड मैं यहाँ फर्स्ट अपने आईब्रो को कोम कर ले रही हूँ स्पूली की हेल्प से. देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये सॉफ्ट काजल एंड इसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी. सो हमें लेना है बहुत ही हल्का हल्का प्रोडक्ट अपने ब्रश पे एंड देन अप्लाई करना है. सो ये फुल्ली ब्लैक होता है इसलिए हमें हल्का लेना है. अगर आप ज़्यादा लोगे तो वो बहुत ही गंदा दिखेगा, पूरा ब्लैक था. अगर आप हल्का हल्का लोगे तो वो बहुत ही नेचुरल सा लुक देगा. सो मेरा आईब्रो कंप्लीट हो चुका है, मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँ. नेक्स्ट मैंने यहाँ लिया है NYBA का ये फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर स्टिक. इससे मैं अपने आईब्रो को अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि इसके एजेस जो है वो अच्छे से शार्प हो जाए और ये बहुत ही अच्छा दिखे मेरा आईब्रो. एंड ये जो शेड है ये मेरे स्किन टोन से बिल्कुल ही मैच है. सो इससे बहुत ही नेचुरल सा लुक आएगा डेली में या ऐसे कुछ सिंपल से लुक पे, बहुत ही नेचुरल सा लुक आएगा. सो या इसे मैंने अपनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है. देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी का कंसीलर एंड इसे मैं अपने आई बेस की तरह यूज़ करूँगी. इसे मैं अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी एंड देन मैंने यहाँ पे एक स्मॉल स्पंज लिया है एंड इसकी हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. आप देख सकते हो तो ऐसे छोटू से स्पंज जो है वो बहुत अच्छे से काम आ जाते हैं हल्का ब्लेंड करने में. देन मैं यहाँ ले रही हूँ सिस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट एंड इस पैलेट से मैं लूँगी ये पीची शाह शेड. इसे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी एंड अच्छे से ब्लेंड करूँगी. एंड मैंने अपने कंसीलर को सेट नहीं किया है, इससे मेरे कलर का पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा आएगा इसलिए मैंने सेट नहीं किया. सो मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने कलर को क्रीज में. देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये पिंक शेड एंड इसे मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई करते हुए अपने क्रीज में ब्लेंड करूँगी. आप देख सकते हो सो धीरे धीरे मैं अपने कलर को डार्क करूँगी. देन मैंने यहाँ पे एक फ्लफी ब्रश लिया है एंड मैं अपने कलर के एजेस को क्लीन कर रही हूँ अच्छे से ब्लेंड करते हुए. देन अगेन मैंने पिंक शेड लिया अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया है. देन मैंने फिंगर पे NYBA का फाउंडेशन लिया है एंड मैं अपने इनर आईलेट को क्लीन कर रही हूँ ताकि मैं जो गोल्डन शेड अप्लाई करूँ वो बहुत ही अच्छा दिखे, बहुत ही उभर के दिखे. सो आपने देख रहे हो मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही इसे अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, बहुत ही ईजी है. देन मैंने ये स्विस ब्यूटी के विंग की पैलेट से ये गोल्डन शेड लिया है जो कि बहुत ही सटल सिमरी शेड है. तो मैं अच्छे से इसे अप्लाई कर लूँगी एंड फिंगर की हेल्प से ही मैं अपने एजेस को क्लीन भी कर ले रही हूँ.
देन मैंने यहाँ यूज़ किया है ये मेबलिन का आईलाइनर एंड मैं बहुत ही थिन सा बट विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। आप देख रहे हो मैंने बहुत ही सिंपल सा विंग ड्रॉ किया है। आईलाइनर लगाने के बाद पूरा लुक ही चेंज हो जाता है यार। देन मैं यहाँ पे अपने इनर कॉर्नर पे भी विंग ड्रॉ कर रही हूँ लाइक कैट आई। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का काजल एंड इसे मैं अपने वॉटर लाइन को टाइट लाइन करूँगी। सो मेरी दूसरी आईज भी डन हो चुकी है या सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना फेस मेकअप, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है NYB का ये फाउंडेशन स्टिक एंड मेरा शेड है गोल्डन। सो इसे मैं अपने सारे फेस पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। देन मैंने यहाँ पे फाउंडेशन ब्रश लिया है एंड इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो ब्लेंडिंग इसकी बहुत ही अच्छे से होती है, बिल्कुल भी आपको इस पर जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही आराम से इसकी ब्लेंडिंग हो जाती है एंड कवरेज भी आप देख सकते हो मीडियम कवरेज है। सो डेली वेयर पे या सिंपल लुक पे आप इसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हो अगर आपको हैवी बेस नहीं चाहिए तो। एंड प्राइस अकॉर्डिंग भी इसकी कवरेज बहुत ही अच्छी है, आप इसे बिल्डअप भी कर सकते हो। 99 रुपीज़ इसकी प्राइस है, ओनली 99 रुपीज़। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर अपने यूजफुल एरियाज पे। सो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल स्पंज लिया है एंड उसकी हेल्प से मैं अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हो मैं इसे बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं कर रही हूँ। देन मैंने यहाँ पे मेबलिन का कॉम्पैक्ट लिया है एंड उसकी हेल्प से मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रीम बेस फाउंडेशन यूज़ किया हुआ है। सो मैं अपने पूरे फेस को सेट करूँगी। एंड अगर आप कोई अफोर्डेबल फाउंडेशन ढूंढ रहे हो तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। देन अगेन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ NYB का ये कॉन्टोर स्टिक एंड मेरा इसमें शेड है टॉफी। सो अगेन ये 99 रुपीज़ में आती है, इसकी भी प्राइस है। तो इसमें आपको सारे शेड मिलते हैं, कंसीलर शेड, फाउंडेशन शेड, कॉन्टोर शेड एंड ऑल्सो कलर करेक्टर के शेड भी आपको इसमें मिल जाते हैं। सो मैं अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी, अपने चिक बोन्स को, नोज़ को, फॉरहेड को, जॉ लाइन को। देन मैंने यहाँ पे ये कॉन्टोर ब्रश लिया है एंड इसकी हेल्प से मैं अपने प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड जैसा कि मैंने बताया ब्लेंडिंग में भी ये बहुत ही अच्छी है, आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना पड़ता है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे ट्राई ना करें क्योंकि ये ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये बहुत ही अच्छे से जाएगा आपके स्किन पे। सो मेरी स्किन ड्राई थी इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। सो अब मैं अपने कॉन्टोर को अच्छे से सेट कर लूँगी क्योंकि ये क्रीम बेस्ड कॉन्टोर था तो इसे सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। या सो मैं यहाँ पे मेकअप रिल्यूशन के पैलेट से ये ब्राउन शेड लेके अपने फेस को सेट कर रही हूँ अपने कॉन्टोर को। देन मैंने यहाँ पे अगेन सिस ब्यूटी के पैलेट से ये पिंक शेड लिया है एंड इसे मैं अपने चिक्स पे एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी। एंड मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें जो सेट्स हैं मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। देन मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ये हाइलाइटर लिया है, इसे मैं अच्छे से अपने चिक बोन्स को, अपने फॉरहेड को, अपने ब्रिज ऑफ द नोज को, चिन को, सारी जगहों को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी ताकि मेरा स्किन जो है, मेरा फेस जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्लो करे। सो या देन मैंने अपने ब्राउन को भी अच्छे से हाईलाइट किया है क्योंकि ये बहुत ही प्यारा लगता है, नेचुरल सा लुक देता है, अच्छा लगता है। देन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये स्ट्रे केरकी के मिनी लिपस्टिक सेट से ये पिंक शेड। सो इसका शेड है 21। देन मैंने इस पर हल्का सा अपना कॉम्पैक्ट अप्लाई कर दिया ताकि ये ड्राई मैट सा दिखे क्योंकि ये मैट लिपस्टिक नहीं है। देन मैंने फॉल्सेस अप्लाई कर ली है एंड इस पर मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना लोटस का मस्कारा ताकि मेरे फॉल्स लैसेज एंड रियल लैसेज अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे से।
तो ये है मेरा फाइनल लुक गाइस, आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आया हो, क्योंकि ये लुक बहुत ही प्यारा है, सिंपल सटल सा है, एंड इस लुक को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है मेरी इयररिंग्स। या आई लव माई इयररिंग्स, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है ये इयररिंग्स, एंड इस लुक पे ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लग रहा है, सिंपल सटल कुर्ते पे ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आपको पता ही है क्या करना है, अगर आपको ये लुक पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, बस 2 सेकंड लगेंगे, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।